नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और वादे के मुताबिक मैं एक अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं, जिसका नाम है द किलिंग्स इन नवंबर। द किलिंग्स इन नवंबर, अ प्ले ऑन टॉक्सिक टेरर। राजेश तलवार का यह नाटक है। राजेश तलवार जाने माने लेखक हैं, लगभग 40 से अधिक पुस्तकें वो लिख चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस में लगभग 2 दशक से अधिक का उनके पास अनुभव रहा है। अफ्रीकी देशों में और अफगानिस्तान में उनकी नियुक्ति थी। कहीं वो कानूनी सलाहकार की भूमिका में थे, कहीं वो पुलिस के सलाहकार की भूमिका में थे। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों से उन्होंने न केवल डिग्रियां ली हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से भी उनका संबंध रहा है। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से तो उन्होंने पढ़ाई की। अपने विविध विधाओं की पुस्तकों के लिए चर्चित रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए और नाटक, इनमें उनकी अपनी एक अलग बैठ रही है। फिक्शन, नॉन फिक्शन, हर तरह की रचनाएं करते रहे हैं। और ख़ास बात ये कि जब उनकी एक पुस्तक एजुकेशन पर आधारित पुस्तक आई थी, तो उन्होंने साहित्य तक के स्टूडियो में हमसे बातचीत भी की थी। इससे पहले भी उनके एक नाटक, नाट्य पुस्तक पर मैं अपनी राय दे चुका हूँ। ये द किलिंग्स इन नवंबर एक अनोखे तरह का की नाट्य पुस्तक है, जिसको नाटिका कह सकते हैं। अनूठे तरह की इसलिए है क्योंकि यह ऐसा एक नाटक है जो न केवल अपराध, रहस्य, रोमांच और जासूसी को एक स्वरूप देता है, बल्कि पर्यावरण पर आधारित भी जो संघर्ष हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर भी ध्यान देता है। यानी ये एक तरह का ऐसा नाटक है जो शुरुआत होता है हत्याओं से। एक ऐसा अपराधी है जो इसके नाम के मुताबिक नवंबर में बहुत ही खूंखार हो जाता है। दिल्ली उसका केंद्र है। दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में वह उन लोगों की हत्याएं करता है, विशेषकर बच्चों की या बुजुर्गों की। अब आप समझ सकते हैं, जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं वो समझ रहे होंगे कि महानगरों में जिस तरह के अपराध होते हैं, वृद्ध लोगों को देखकर या बच्चों के खिलाफ, ये एक तरह का कटाक्ष भी इस नाटक में शामिल है। राजेश तलवार ने दिल्ली की समूची पृष्ठभूमि को समझते हुए और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों की जो मानसिकता है, उनको समझते हुए इस नाटक को लिखा है। साथ ही जाड़े के महीने में, नवंबर ही क्यों उन्होंने लिखा, उसकी वजह यह है कि नवंबर में जिस तरह से प्रदूषण, कोहरा और दिल्ली को घेरे रहता है और जिस तरह से दिल्ली की महल्ले गली बियाबान से हो जाते हैं, उसका भी उन्होंने एक तरह से उस पर भी एक प्रहार करने की कोशिश की। एक हत्यारा है जो पूरे वर्ष भर हत्याएँ करता है, लेकिन नवंबर में वह और खूंखार हो जाता है। उसको कुछ लोग जो आई विटनेस हैं वो देख चुके हैं, लेकिन वह पकड़ा नहीं जाता है। उसको पकड़ने के लिए जिन पात्रों का उल्लेख करते हैं, उसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर कर्नल रंजीत और विश्व प्रसिद्ध जासूस जो स्कॉटलैंड यार्ड के शर्लॉक होम्स को बुलाया जाता है, और उनको बुलाकर दिल्ली पुलिस इस बात का प्रयास करती है कि एक ऐसा हत्यारा जो निर्दयी है, निर्मम है, नृशंस है, और जो नवंबर में इस तरह का की हत्याएं करता है, उनको लगभग इसी माह, यह पुस्तक अभी रिलीज हुई है सितंबर में, उनको बुलाया जाता है कि हम 2 माह बाद। शर्लॉक होम्स पूछते हैं कि आप पिछली हत्याओं की जांच कराना चाहते हैं या आगे आने वाली हत्याओं की, और जब आपको पता है कि ये हत्याएं होंगी तो आप उसकी व्यवस्था सुरक्षा चाक चौबंद क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें जासूस क्या करेंगे। तो यह नाटक जो है उसी तरह की पृष्ठभूमि पर चलता है, जिसमें दिल्ली, दिल्ली का मध्य वर्ग
दिल्ली की अपनी समस्याएं भी शामिल हैं। एक विशेष बात और बता दूं कि यह द किलिंग्स इन नवंबर और प्ले ऑन टॉक्सिक टेरर का पहला संस्करण है जो 2024 में आया है इस पुस्तक के रूप में। इससे पहले यह किंडल और दूसरी जगहों पर डिजिटल फॉर्मेट में रहा है। 2018 में इस पर बाकायदा चर्चित प्ले भी हो चुका है और उस प्ले को देखने के लिए राजेश तलवार उस समय काबुल में थे, वो वहाँ से दिल्ली भी आए थे और यह एक तरह से यह नाटक दिल्ली की अपराध जगत के बहाने, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के बहाने, दिल्ली की पुलिसिया व्यवस्था के बहाने पूरे संसार का जो जनजीवन है, जिस तरह से हम पृथ्वी धरती के खिलाफ आचरण कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा समाज पोल्यूटेड हो रहा है, पोल्यूशन का असर केवल आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता बल्कि उसका मानसिक असर भी पड़ता है, और उन सबको रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ऐसा हम क्या करें जिस तरह से दिल्ली का प्रदूषण रुके, उन सब की बात भी इस पुस्तक में है। इस नाटक को लिखने के साथ साथ इसके अंत में राजेश तलवार ने उन सभी घटनाओं का वर्णन किया है जिसके चलते उन्होंने इस नाटक को लिखा था। इस में जो सीन है उन सीन के हिसाब से उन्होंने एक तरह से 12 दृश्यों में इस नाटक को ख़त्म किया है। बहुत सारे पात्र हैं लेकिन इन पात्रों के साथ साथ राजेश तलवार जो संदेश देना चाहते हैं, यह एक अनोखी बात है कि एक लेखक जो शिक्षा कहानियाँ और अपराध कथा लिख रहा है, अपराध और जासूसी कथा लिख रहा है, उसके दिमाग में दिल्ली और दिल्ली का परिदृश्य, यहाँ का प्रदूषण और वातावरण भी प्रमुखता से है। आपको अगर अच्छे नाटकों को पढ़ने में रुचि है तो द किलिंग्स इन नवंबर अ प्ले ऑन टॉक्सिक टेरर को खरीद कर पढ़ सकते हैं। देश भर में इसे खेला जा सकता है, इस नाटक को पढ़कर। ब्रिजिंग बॉर्डर्स ने इसको प्रकाशित किया है, मूल्य 299 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित हर शनिवार को प्रस्तुत किया जाने वाला यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अन्य दिनों में मैं विविध दूसरी विधाओं की पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ जिनमें हिंदी की पुस्तकें होती हैं। शुक्रवार को कविता संग्रह पर अपनी राय रखता हूँ और रविवार को आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में या उनकी किसी कृति पर, चर्चित कृति या कृतियों पर शब्दरथी कार्यक्रम में बात करता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें, हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें और पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को विकसित करते रहें। धन्यवाद।